मुंबई में अब और सख्त होगा लॉकडाउन। सड़कों पर उतरे पैरामिलिट्री के जवान, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को कोरोना कैपिटल बनने से रोकने के लिए ये तैयारी मुंबई की सड़कों पर दिख रही है। बुधवार की शाम सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के जवान मुंबई में भिंडी बाजार की सड़कों पर फ्लैग मार्च करने उतर गए। दरअसल महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी थी। मुंबई पुलिस की मदद के लिए राज्य ने केंद्रीय बलों की 20 कंपनियों की मांग की थी और इसी के बाद केंद्र की ओर से सीआईएसएफ और सीआरपीएफ की 5 कंपनियां बुधवार को मुंबई पहुंची और यहां पहुंचते ही मोर्चा संभाल लिया। बुधवार शाम से ही अर्धसैनिक बलों के जवान मुंबई की सड़कों पर फ्लैग मार्च करने उतर गए। अर्धसैनिक बलों के इन कंपनियों को जोन 1 के तहत कोलाबा से मरीन ड्राइव, जोन 3 में तारदेओ नागपाड़ा वर्ली से एनएम जोशी मार्ग तक, जोन 5 में हरावी से लेकर दादर तक, जोन 6 में चेंबूर से मानखुर्द तक और जोन 9 में बांद्रा से अंबोली तक तैनात किया गया है। दरअसल महाराष्ट्र कोरोना से प्रभावित होने वाला देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया है। राज्य में पहले से ही सीआरपीएफ की 32 कंपनियां तैनात हैं, जो महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही हैं। चंद दिनों में ईद का त्योहार आने वाला है, ऐसे में लॉकडाउन सख्ती से लागू करवा पाना बड़ी चुनौती है। कोरोना से लड़ने और फिर संक्रमण की चपेट में आने के चलते महाराष्ट्र पुलिस पहले से ही दबाव में चल रही थी। अब तक पूरे महाराष्ट्र में 1328 पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 55 पुलिस वाले कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। जाहिर है महाराष्ट्र पुलिस पर बढ़ते दबाव के बीच अर्धसैनिक बलों की ये तैनाती काफी राहत भरी है, क्योंकि इससे पुलिस पर दबाव कम होगा, लगातार ड्यूटी से भी पुलिस वालों को थोड़ी राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।